गाजीपुर जमानिया कोतवाली पुलिस व स्वाट सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने 2 करोड़ की अवैध हीरोइन के साथ 2 सातिर तस्कर को धर दबोचा। बताते चले कि पुलिस टीम ने कोतवाली क्षेत्र के गायघाट मोड़ के पास से हीरोइन के अवैध तस्करी करने वाले अभियुक्त दीपक यादव 40 पुत्र सुभाष सिंह यादव निवासी शेरपुर फुल्ली थाना दिलदार नगर व ओमकार राय 53 पुत्र स्वर्गीय नगीना राय निवासी बेटावर थाना जमानिया को 1 किलो 140 ग्राम मादक पदार्थ हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया। 1 किलो 140 ग्राम हीरोइन जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि हम लोग पिछले कुछ समय से हीरोइन तस्करी के धंधे में संलिप्त हैं। हमारा मुख्य सरगना रामानंद यादव निवासी ग्राम सुनहरिया थाना जमानिया है, जिसे पिछले महीने यूपी एसटीएफ ने वाराणसी से पकड़कर नागालैंड पुलिस को सौंपा था, जो अभी जेल में है। अधिक पैसा कमाने के लालच में हम लोग अन्य राज्यों से तस्करी कर लाने वाले लोगों से यहाँ पर खरीद कर उसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों को ऊंचे दामों पर विक्रय कर मिलने वाले पैसों को आपस में बांट लेते हैं और उसी पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण व उनके शौक पूरे करते हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में श्यामजी यादव प्रभारी निरीक्षक जमानिया, रामाश्रय राय प्रभारी स्वास्थ्य सर्विलांस में टीम शामिल रहे। किस तरह काम है क्या बताएंगे? हमारी इंस्पेक्टर जमानिया और स्वास्थ्य सर्विलांस टीम को एक गोपनीय सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो मादक पदार्थ हैं इन्हें लेके आ रहे हैं। इसी पे चेकिंग चल रही थी जमानिया क्षेत्र में, गायघाट क्षेत्र में, तो वहाँ पे 2 संदिग्ध पकड़े गए। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से लगभग 1 किलो 140 ग्राम मादक पदार्थ मिले। एक मोटरसाइकिल पर ये लोग आ रहे थे। पूछताछ करने पे पता चला, अभी पिछले दिनों भी एक गैंग आप लोगों को विदित होगा भेजा गया था। इस पर लगातार सर्विलेंस के माध्यम से हमारी टीमें लगी हुई हैं, क्योंकि गाजीपुर इसके लिए पहले से भी थोड़ा कुख्यात रहा है मादक पदार्थों की तस्करी के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही मूल रूप से जमानिया का रहने वाला एक रामानंद यादव है, जो नागालैंड में इसी अवैध गतिविधियों को करते हुए नागालैंड पुलिस ने जेल भेजा था, उसी के ये साथी थे। और वो संभवतः उस समय 3 किलो माल के साथ नागालैंड में पकड़ा गया था। उसी माल को ये खपा के अपना पैसा कमाते हैं और अभी भी इसमें विवेचना के साथ साथ इनके जो सूत्र हैं उन्हें खंगाला जाएगा। हो सकता है आगे चल के कोई और बड़ी उपलब्धि मिले। सर, जो पकड़ा गया है उसकी कीमत क्या होगी और ये जो दोनों लोग कौन हैं? ये दोनों लोग मूल रूप से एक ओमकार राय हैं, जो बेटावर थाना जमानिया का रहने वाला है। दूसरा दीपक यादव है, जो दिलदार नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और इनका एक आवास इन्होंने अपना बनारस में ही बना रखा है, क्योंकि इन मादक पदार्थों को ही आसपास के जनपदों में भी सप्लाई करते हैं छोटी छोटी क्वांटिटी में, और उसी से अवैध धन अर्जित करते हैं, जिससे अपने अब खर्चे चलाते हैं, शौक और ये सब पूरे करते हैं ये लोग। तो दोनों लोग जनपद गाजीपुर के ही रहने वाले हैं मूल रूप से। तो क्या कीमत होगी इसकी? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 2 करोड़ से ऊपर का ही है इसकी कीमत।